Hello everyone and welcome to my channel Shadez Of Megz. आप लोग को हमारा न्यू हेयर कट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने कराया है इस्तांबुल में हेयर कट और काफ़ी चीप था. It was around 50 लीरा. हाँ exactly. और अगर नेदरलैंड में कराते तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता और हेयर कट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. Yeah, I'm very happy. And me too. I'm also very happy with my haircut. और आज का प्लान ये है कि हम लोग कर रहे हैं बोट ट्रिप और जाएंगे हम लोग एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल और निकल रहे हैं हम थोड़ा लेट. अराउंड 3:15 हो चुका है क्योंकि सौरभ का तबीयत इतना अच्छा नहीं था, उसे फीवर हो गया था, बट अभी ही इज़ ओके. सो वी आर थिंकिंग कि लेट्स गो एंड सी दी इस्तांबुल और द एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल. सो लेट्स गो. तो हम लोग टैक्सम स्क्वायर पर रुके हैं जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको वीडियो में. तो वहाँ से हम लोग जाएंगे कबाटस इस फर्निकुलर से और फिर कबाटस से मोस्ट लाइकली मैं आपको बता दूंगी हम इसी स्टॉप पर उतर रहे कि नहीं, बट सिरकेसी करके जो स्टॉप है वहाँ उतरेंगे और वहाँ से मिलेगी हम लोगों को एक फेरी जो पूरा बॉस्फोरस टूर कराएगी. तो वहाँ जाकर और अपडेट देते हैं कि कैसे वहाँ पर फेरी कर सकते हैं. Bosphorus survival short trip. Bosphorus. तो हम लोग पहुंच गए हैं वो स्टॉप और वो सरकेसी करके जो स्टॉप था वो नहीं है, एमी नोनू करके उसके पहले वाला स्टॉप है. और यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे बड़े क्रूजेस भी खड़े हैं और यहाँ पे ऐसा सेंटर है एक छोटा सा बुक स्टॉल टाइप जैसा अपने रेलवे स्टेशन पे भी होता है. और वहाँ से हम लोगों ने 80 लीरा फोर पीपल के लिए यानी 20 लीरा पर पर्सन का टिकट लिया है. आप बार्गेन कर सकते हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं एक शटल में और वो हमको लेके जाएंगे क्रूज तक. शटल हमको जस्ट अक्रॉस द ब्रिज लेके आई है और हम लोग जा रहे हैं पूरे लोकल लोगों के साथ, इसलिए शायद बहुत चीप भी होगा. 20 लीरास पर पर्सन बहुत ही चीप प्राइस है और हम जा रहे हैं लोकल लोगों के साथ. जैसे इंडिया में नहीं होता है जब तक पूरा भर नहीं जाता है तब तक रुकेंगे, वैसे ही यहाँ पे तो पूरा भर नहीं गया तब तक रुका ही हुआ था. अभी काफ़ी सारे लोग सारे सीट्स पे बैठ गए और अब चला चालू हो गया और डायरेक्ट सन आ गया है. Yes.
यूरोप साइड और एशिया साइड को कनेक्ट करता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक बहुत ही बड़ा ब्रिज है और उसके ऊपर हम बस और बहुत सारे व्हीकल्स देख सकते हैं, कार भी है, तो काफ़ी बड़ा ब्रिज है। देख रहे हैं वो एक मेडेंस टावर, इसका नाम मेडेंस टावर है और बॉस्फोरस जो एरिया है सी का उसके बिल्कुल बीच में है, ये एक्चुअली एक लाइट हाउस है। बॉस्फोरस क्रूज एक बहुत अच्छा तरीका है इस्तांबुल देखने का, आप उसको करके बहुत सारे ब्रिजेस देख सकते हैं, आप इस्तांबुल का जो यूरोपियन साइड है और जो एशियन साइड है उसके काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं। बॉस्फोरस टूर बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है और वो मुझे लगता है हर प्राइस रेंज में अवेलेबल है, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे लोग थे जो अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस बता रहे थे, एंड आई थिंक वो प्राइजेस डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइप के क्रूज़ को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने जो किया वो 20 TL का था, बट जब हम लोग ब्लू मॉस्क में थे तब वहाँ पे एक बंदा ऑफर कर रहा था, वो 20 euros का ऑफर कर रहा था, और जब हम लोगों ने और चेक किया तो पॉसिबल है कि आप 12 लीराज में भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट प्राइजेस अवेलेबल हैं। हाँ, जब आप बॉस्फोरस का टूर बुक कर रहे होंगे तो मेरी टिप ये होगी कि आप बार्गेन ज़रूर करिए, क्योंकि जो मिनिमम प्राइस है वो है 12 लीराज, तो आप अगर बॉस्फोरस टूर करना चाहते हैं तो 12 लीराज तक में कर सकते हैं। आपको मेरे इस्तांबुल के वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है शेड्स ऑफ मैक्स, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे अगर जब मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आजकल मैं रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ, क्या आपको मेरे रोज़ के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। See you in my next video. Till then, bye-bye.